प्रदेश में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट देखने को मिली है। प्रदेश में 5,000 से भी कम कोरोना के मामले आए हैं। रिकॉर्ड 3,17,000 टेस्ट कोरोना के मामले 4,800। 24 अप्रैल को सबसे ज्यादा 38,000 केस आए थे। यूपी में एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 84,800 है। बीते 22 दिनों में 2,26,000 सक्रिय केस कम हुए हैं। टेस्ट ट्रेस और ट्रीट के फॉर्मूले का यानी कि 3T का असर नजर आ रहा है। सीएम योगी अब तक 15 मंडलों का दौरा कर चुके हैं, तो ये T3 फॉर्मूले पर कामयाबी की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ता हुआ। और ये बता दें आपको, मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, 92.2 अभी तक ये पहुंच चुका है। और ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि रिकवरी रेट और ज्यादा बढ़ेगा जिस तरीके से काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और उसके साथ मुख्यमंत्री योगी की अगर बात की जाए तो लगातार वो दौरा कर रहे हैं, कोविड सेंटर्स में भी जांच कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि किस तरीके से सुविधाएं वहां पर मिल रही हैं, कैसे काम हो रहा है, व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त है यहां पर, क्योंकि मुख्यमंत्री इसको लेकर काफी सजग है। इसीलिए लगातार वो जनप्रतिनिधियों के साथ, अधिकारियों के साथ रोज मीटिंग भी कर रहे हैं, बैठक भी कर रहे हैं। और तस्वीर भी फिलहाल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी बांदा दौरे पर हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री जो है, कल की अगर बात की जाए तो कल भी वो कानपुर दौरे पर पहुंचे थे, उससे पहले लखीमपुर पहुंचे थे। लगातार यही सिलसिला मुख्यमंत्री का जारी है। वो खुद जमीनी तौर पर हर चीज को सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग कर अपडेट ले रहे हैं, तमाम तैयारियों को जांच रहे हैं, जमीनी स्तर पर क्या काम हो रहा है, किस बेहतरी से हो रहा है, ये तमाम चीजें हैं जिन पर वो खुद की निगाह बनाए हुए हैं। सिर्फ बातों पर या पेपर्स पर भरोसा ना कर वो हर चीज को खुद से जांचने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसी का एक नतीजा फिलहाल कहा जा सकता है कि कुछ बेहतर संकेत जो है वो उत्तर प्रदेश से हर रोज मिल रहे हैं, चाहे वो फिर टीकाकरण के मामले में हो, टेस्टिंग के मामले में हो, या फिर रिकवरी रेट के मामले में हो। तो ये अभी आपको बता दें कि सीएम योगी अब तक 15 मंडलों का दौरा कर चुके हैं, और इसीलिए सीएम योगी ये कोशिश में लगातार लगे हुए हैं कि हर जगह सीएम ये सुनिश्चित कर पाए कि जो भी पेशेंट्स हैं कोरोना के, उनको हर संभव सुविधाएं जो हैं वो दी जाए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी तरीके की कमी जो है वो ना होने पाए। फिलहाल सीएम योगी झांसी दौरे पर है, और ये आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ये कोशिशों में लगातार लगे हुए हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो कहीं डिगती हुई फिलहाल बीच में नजर आ रही थी, क्योंकि सेकेंड वेव की अगर बात की जाए तो लगातार मामले जो है एक के बाद एक बढ़ रहे थे और थम नहीं रहे थे, इसीलिए मुख्यमंत्री खुद भी इसकी चपेट में आ गए थे। हालांकि उस बीच भी मुख्यमंत्री ने अपना काम नहीं छोड़ा, उस बीच भी मुख्यमंत्री लगातार वर्चुअल तरीके से मुखातिब हो रहे थे, जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे, मीटिंग्स ले रहे थे, हर जिले का जायजा ले रहे थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री जब स्वस्थ हो चुके हैं तो खुद फिजिकली मौजूद होकर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं वो कितनी सार्थक हो रहे हैं। ये हम आपको एक बार फिर से बता दें, जैसा कि जिक्र हम कर रहे हैं कि यही नतीजा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की निगाह लगातार बनी हुई है, अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। इसका एक नतीजा ये निकलकर सामने आया कि प्रदेश में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट देखने को मिली है। और ये बता दें आपको, लखनऊ में 5,000 से भी कम मामले जो हैं वो सामने देखने को मिले हैं। कोरोना के मामलों की अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड 3,17,000 टेस्ट कोरोना के मामलों में 3,800 24 अप्रैल को सबसे ज्यादा 38,000 के केस आए थे। यूपी में एक्टिव केस की संख्या की अगर बात की जाए तो 84,800। बीते 22 दिनों में 2,26,000 सक्रिय केस कम हुए हैं। ये इस वक्त में जब लगातार पेशेंट्स बढ़ रहे हैं हर जगह, लगातार कोरोना के पेशेंट्स घायल पड़ रहे हैं, उपलब्धि है एक तरीके की कि बेहतरी की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। टेस्ट ट्रेस और ट्रीट यानी कि प्रधानमंत्री के T3 फॉर्मूले पर उत्तर प्रदेश बेहतर तरीके से काम कर रहा है, और उसके नतीजे भी सुखद देखने को मिल रहे हैं। तो उस फॉर्मूले का असर नजर आ रहा है। अभी तक सीएम योगी की अगर हम बात करें तो 15 मंडलों का दौरा वो कर चुके हैं, और टेस्ट ट्रेस टेस्ट ट्रीट इन तीन फॉर्मूलों पर फिलहाल उत्तर प्रदेश भी चल रहा है पूरे देश के साथ साथ। और निश्चित तौर पर लगातार काम होता रहेगा, इस तरीके की बेहतर खबरें सामने आती रहेंगी तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश कोरोना मुक्त जल्द हो जाएगा। लेकिन अभी की बात की जाए तो ये एक कामयाबी में ही फिलहाल काउंट की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में केस जो है वो कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट जो है वो बढ़ रहा है, और यही उम्मीद की जा रही है कि ये रिकवरी रेट 100% जल्द से जल्द हो।
लोग जो है उत्तर प्रदेश में कोरोना मुक्त हो, एक ध्येय के साथ मुख्यमंत्री जो है वो लगातार डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं और मकसद सिर्फ यही है कि कोविड से मुक्त जो है प्रदेश को कराया जाए। हालांकि अब एक नई दस्तक ब्लैक फंगस भी सामने आ चुका है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री सचेत हो चुके हैं, अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया गया है, बाकायदा ओपीडी में जांच भी होगी, ईएनटी और नेत्र विशेषज्ञ जो है वो बैठेंगे 10 से 12 बजे तक ताकि लोग अपना चेकअप करा सके, ब्लैक फंगस जो है वो फैले नहीं लोगों में। अब्दुल सत्तार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल सत्तार, ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश बेहतरी की ओर कोविड में कम से कम आगे अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बाकी राज्यों की अपेक्षा, क्योंकि गिरावट देखने को मिल रही है मामलों में, रिकवरी रेट भी बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो T3 फॉर्मूला अपनाया जा रहा है उसका सार्थक नतीजा ये कहा जाए। अब्दुल सत्तार, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी प्रश्न करिए। जी सत्तार, ये कहा जाए कि T3 का जो फॉर्मूला अपनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में उसका एक नतीजा कि बेहतर नतीजे जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे फिर वो रिकवरी रेट का मामला हो या फिर मामलों में गिरावट हो कोविड के। जी बेशक, बिल्कुल, जो नतीजे सामने आ रहे हैं वास्तव में काबू कर लिया गया है। अगर झांसी की भी बात करते हैं प्रदेश के साथ साथ, तो यहाँ जिस प्रकार 800, 900, 1000 केस आया करते पॉजिटिव के, कल जो केस आए हैं वो 68 केस आए, 14 लोग जरूर मौत हुई है, काफी कंट्रोल कर लिया गया है। अब अस्पतालों में काफी जगह बेड खाली है, लोगों का बड़े अच्छे तरह से आराम से इलाज हो रहा है। और खास बात ये भी कहें कि जिस अधिकारियों ने, जिस तरह के मुख्यमंत्री ने लोगों को कहा और काम करने की बात कही थी, वो वास्तव में काम में लग गए और उसका नतीजा ये निकला, कोविड पे काफी काबू पा लिया गया है और लोगों को राहत मिल रही है। जी बिल्कुल अब्दुल सत्तार, ये भी कहा जाए कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार दौरे कर रहे हैं, 15 मंडलों का दौरा वो कर चुके हैं और लगातार ये हम देख रहे हैं किस तरीके से वो कोविड सेंटर्स को भी जांच रहे हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, Team 9 के साथ अलग मीटिंग यहां पर चल रही है, ये भी एक नतीजा है क्योंकि मुख्यमंत्री वो सख्ती दिखा रहे हैं और उतना सीरियस इसको लेकर है, इसीलिए यहां पर हर रोज हम एक बेहतर खबर उत्तर प्रदेश से सुन रहे हैं। बेशक, जिस प्रकार मुख्यमंत्री आए दिन हर रोज जिस प्रकार अधिकारी से मीटिंग करते हैं, वर्चुअल मीटिंग करते हैं, प्रत्येक जिले के अधिकारियों से बैठक करते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य अधिकारी हो या CMO हो, जिला के बड़े अधिकारी हो, नोडल अधिकारी हो, इन सबको गाइडलाइन देते हैं कैसे काम करना है और काम करने का तरीका हो गया। हर रोज नई तरीके से काम किया जा रहा है, उसका ये असर देखने को मिला कि कोविड पे कंट्रोल हुआ। जो गाँव की बात की जा रही है, गाँव में निगरानी समिति बनाई गई, जो बात की जा रही है गाँव में ज्यादा फैलने वाला है कोविड या लोगों को परेशानी होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाँव के अंदर भी काफी काबू पा लिया गया, गाँव चले। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए अब्दुल सत्तार। तो फिलहाल लगातार ये आपको बता दें कि जो काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो फिलहाल जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं उस लिहाज से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश बेहतरी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, T3 फॉर्मूले पर काम हो रहा है और मामलों में उत्तर प्रदेश में गिरावट आ रही है। हालांकि अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो एहतियातन इसे बढ़ा दिया गया है यहां पर, क्योंकि अभी जो स्थिति बनी हुई है वो बिगड़े नहीं, वो रिकवरी रेट और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आए, यानी कि हर कोई कोरोना मुक्त होता हुआ नजर आया उत्तर प्रदेश में, इसीलिए एक बेहतर नतीजा, बेहतर ये कहा जा सकता है जो 31 तारीख तक लॉकडाउन भी बढ़ाया गया। लेकिन अभी मौजूदा हालात की बात की जाए तो रिकवरी रेट बढ़ रहा है, मामले जो है कोरोना के वो कम हो रहे हैं और ये बेहतरी के संकेत हैं। बेहतरी के संकेत इसलिए हैं क्योंकि उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द हर किसी को वैक्सीन यहां पर लग जाए और लोग जो है वो कोरोना मुक्त यहां पर हो, टेस्टिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। ग्रामीण इलाकों में फैलने की बात ज्यादा की जा रही थी, लेकिन एक कोशिश जो है जो मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है, जो निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा नतीजा ये है कि अब मामले जो है वो सुधर रहे हैं, हालात जो है उत्तर प्रदेश के वो सुधर रहे हैं पहले की अपेक्षा, क्योंकि सेकेंड वेव में लगातार ऑक्सीजन की कमी भी देखने को मिली, व्यवस्थाएं भी थोड़ी ढुलमुलाती हुई नजर आई, लेकिन मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि स्थितियां जो है बेहतर हों।